आप अमरूद का बगीचा आ चुका है। ये पीछे कैमरे में देखो कितने बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये अमरूद का बगीचा है जो कि पीर बाबा के जाते हैं तो बीच में आता है, और आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। बैक टू गाइस, आज हम आपको हमारे गांव का जो रवाजना डूंगर है उसमें पुराने गांव में एक पीर बाबा जो कि उत्सरी बाबा कम्बालसा कानिका मंदिर है, जो कि पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और पूरा बिखर चुका है। आप कैमरे देखेंगे तो अक्के बक्के हो जाएंगे। आपको वहीं पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए वहीं पे चल के बात करते हैं, तब तक के लिए ठीक है। और जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल सपोर्ट कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज हमारे साथ है कालू। कालू आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? इसको सब्सक्राइब और लाइक सब करना चाहिए। हम आ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। हम गांव से बहुत दूर जा रहे हैं तो बहुत गर्मी भी है, अभी धूप भी है। आप देख सकते हो कितना कितनी धूप है और बहुत परेशान है। आप जानते हैं पूरा गांव सुनसान है और हम इस रास्ते से जा रहे हैं अकेले सुनसान रास्ते में आपके लिए, ये जान जोखिम उठाकर। हमारा एक बंदा गया है, वो अभी कुछ दुकान पे गया है कुछ सामान। और रास्ते में देख सकते हो आप अमरूद का बगीचा आ चुका है। ये पीछे कैमरे में देखो कितने बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये अमरूद का बगीचा है जो कि पीर बाबा के जाते हैं तो बीच में आता है, और आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। हम आ चुके हैं रास्ते में और यहाँ से तो अभी बहुत दूर है। आपको कैमरे में जूम करके दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हो कैमरे में कितने दूर दिख रहा होगा आपको बारीक सा। वो मंदिर है पीर बाबा का। ये दो चार पौवे क्या दिख गए, इधर पागल हो गया सब, पौवे फोड़ने की तैयारी में लग गए। आपको दिखा देता हूँ कैमरे में। ओ इसी के साथ किसका निशाना था? ये मेरा। ये विक्की का निशाना था। और देखिए हम तो जा रहे थे ब्लॉग बनाने, पता नहीं चूतिए क्या करने लग गए। आपको दिखाते देखते रहिए, पता नहीं क्या करेंगे ये। देखिए देखिए, और आपको दिखाते वो पौवे पड़े हैं, इनके निशाना लगा रहे, लेकिन अभी तक तो इनसे एक भी पौवा नहीं फूटा है। ओ इसी के साथ किसका निशाना था भाई? ये किसका निशाना था? ओ ये रौनक पूरी तैयारी के साथ। ओ तभी फ्लॉप तभी भारी फ्लॉप। और ये देखे पौवे फोड़ रहे। अब आपको आगे का नजारा दिखाएंगे। हम आ चुके हैं पीर बाबा के मंदिर के पास सामने। तो भाई हम जा रहे हैं रास्ते में और आपको दिखा दे, हम पास में पहुंचने वाले हैं। सामने वो मंदिर है, वहाँ पे जाके आपको वहीं का दृश्य दिखाएंगे। और ये सामने सर शिव है। ये घर बहुत पुराना है, ये पहले हवेली हुआ करती थी। और इधर भी दिखा दो आपको, ये जो टूट फूट हो रही है
अभी काम चल रहा है इधर साइड मरम्मत का, और ये हमारे साथी लोग जो कि अभी आए और हाथ पैर धो रहे हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं हमारे। देखिए भाई, पहले के ज़माने में गेट इतने बड़े रहते थे कि यार अभी की बात निराली है। और इधर पीछे वो जो सफ़ेद छतरी है, और अब जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। तो देखिए हम पहाड़ के कितने पास आ चुके हैं, और ये पास में एक मकान है। मकान में पता नहीं बंद है शायद अभी, तो बोर फिटिंग हो रही है। बोर फिटिंग तो बाहर है भाई, इधर है। इसमें से लाइट आती है। लाइट आई है इसमें। हाँ तो भाई हमारे साथ है कालू है हमारे साथ, वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये पानी की बोर, यहाँ से पानी जा रहा है ऊपर, तो पता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा। और अभी फिलहाल ये जो कि जो रूम है वो तो बंद है। और आ चुके हम ऊपर, यहाँ पे आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं, आपको दिखा दें इन पट्टियों पे कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि सत्यनारायण और सुरेश और बहुत सारे नाम हैं। पीछे हम आ चुके हैं, पीछे बहुत सारे हमारे साथी वो पीछे रह गए और हम आगे हैं। उनके पैर दुखने लग गए इसलिए पीछे रह गए, वो इतनी ऊपर है, बहुत ऊपर है। देखिए आप कितने ऊपर आ गए हम, यहाँ पे पेड़िया है, सीढ़ियाँ बनी हुई है दरअसल। तो हम बहुत ऊपर आ गए, आपको मंदिर पे आ चुके हैं हम, आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। भाई साहब हमें इमली तोड़ रहे हैं। इमली इमली का पेड़ है क्या? हाँ ये इमली का पेड़ है। कहाँ है इमली? ये वो लटक रही है। हाँ तो हमारे साथ है कालू, ये कालू इमली तोड़ने जा रहा है। और ये रौनक, रौनक और ये है विक्की जो कि पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। इमली तोड़ ली है इन्होंने, तो इंजॉय कर रहे खूब और साथ में ब्लॉग भी बना रहे हैं। तो देखिए गाइस गेट के अंदर, और अब जा रहे हैं ऊपर, तो जूते तो यही खोल देते हैं। गाइस हम इमली खा रहे हैं अभी, आप भी खाओ तो कर दिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए हम आ चुके हैं फाइनली ऊपर, और क्या व्यू है ऊपर का। धूप तो बहुत निकल गई है, खैर आपके लिए तो थोड़ी बहुत मेहनत तो हम कर भी सकते हैं। तो ये रवाना डूंगर का गाँव का जो कि पुराना गाँव है, यहाँ आ चुके हैं फाइनली ऊपर। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है। और ये है वो मंदिर जो कि बहुत हादसा हुआ था यहाँ पे, बहुत बड़ी कहानी है। देखिए नीचे तक, ये पहाड़ पे एकमात्र मामूली सी जगह पर रुका हुआ है, आप देख सकते हो कितना बड़ा खतरा है यहाँ पे। और इधर नीचे अगर ये मंदिर कोई और होता, और मकान इसी की जगह और कोई चीज़ होती, तो वो अब तक कभी यहाँ से नीचे गिर के कभी टूट चुकी होती है। लेकिन ये माना जाता है ये हमारे पूर्वजों से भी पहले का मंदिर है, और तब से इसकी हालत ऐसी की ऐसी है। और ये गांव है पास में इधर, आपको इधर चल के दिखाते हैं। अभी दिखाएंगे अंदर का व्यू, तब तक के लिए बाहर का दिखाते हैं। ये इधर का व्यू है, और इधर माना जाता है कि जो कि आपको इधर कैमरे में हम दिखाएंगे, और इधर बहुत परेशानी है चलने की, नीचे जो पत्थर पड़े हुए हैं। माना जाता है कि देखिए अब कितना नीचा है ये, यहाँ से ये गांव दिख रहा होगा आपको सामने, ये पीछे का दृश्य है। यहाँ से ये कितना जोखिम है इस मंदिर में, लेकिन फिर भी ये मंदिर ऐसे कैसे रुका हुआ है। और ये दृश्य दिखाता हुआ आपको कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये वह रास्ता है जहाँ से हम आ रहे थे, ये वो रास्ता है जहाँ से हम आ रहे थे अभी। और इधर ये गांव है, ये गांव की एक खासियत है जो आपको बता देता हूँ मैं। ये गांव वालों की एक खासियत है कि यहाँ पे एक भी मकान पे पट्टियाँ नहीं है। माना जाता है कि पहले की बात है, यहाँ पे एक गांव में एक महामारी आई थी, तो वो महामारी गांव वालों की जान पे बनाई थी। तो जो कि ये मंदिर है यहाँ का, इस देवता ने
उस महामारी को अपने मंदिर में बुला के शायद कैसे भी करके, इतना पता नहीं है, और मंदिर में बुला के यहाँ से पीछे से, जो कि यह मंदिर फटा हुआ है, यह पीछे से उसको यहाँ से गिरा के शायद मार दिया था। तो तब से इस गांव में एक भी पट्टी नहीं है। और ये पट्टियाँ क्यों नहीं है ये हम आपको बताएंगे। इस क्योंकि गांव वालों का मानना है कि इस पे जब तक इस मंदिर पे पट्टियाँ नहीं चढ़ जाती तब तक गांव में एक भी पट्टी नहीं चढ़ेगी, और ये मंदिर पे एक भी पट्टी नहीं है। तो आप ये सोच बोलेंगे कि ये पट्टियाँ चढ़ा क्यों नहीं देते। तो गाइस, गांव वालों ने पहले पूरी कोशिश कर ली है, गांव वालों ने मिलकर, यहाँ पे एक राजा था तो उसने पट्टियाँ चढ़ा दी थी। तो रात को रानी के जो कि सपने में देवी देवता आए और बोले कि ये पट्टियाँ उतार लो, और पता नहीं ऐसे बहुत सी बातें हुई थी। तो तब से वो पट्टियाँ उतार ली गई और आज गांव में एक भी पट्टी नहीं है। गांव का दृश्य है ये, सामने आपको कैमरे में दिखा देता हूँ। वैसे तो ये हमारा पूर्वजों का गांव है, हम आपको पीछे दृश्य दिखाएंगे मंदिर का, जो कि बहुत ही खतरनाक दृश्य है। तो ये दृश्य देख कर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये देखिए, ये दृश्य है ऐसा। अब आप इस अंदाज़ा लगाइए कि मंदिर कम से कम 50 साल पुराना है और ये 50 सालों से ऐसे ही रुका हुआ है। तो ये कैसे रुका हुआ है, ये एकमात्र सोचने वाली बात है। और आपको ऊपर का दृश्य दिखाएंगे। खैर जाली लग रही है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे आपको और दिखाएंगे कैसे भी करके ऊपर का दृश्य। माना जाता है कि वहाँ पे राजा आपने देखिए गाइस कैसे मुश्किलों में चढ़ना पड़ेगा हमको, लेकिन जाएंगे फिर भी। तो देखिए यहाँ से रास्ता है, यहाँ से निकलेंगे, वहाँ से तो पार पड़ी नहीं निकलने की। तो अब कालू और इधर अगर गिरे तो नीचे डायरेक्ट, और निकल गए तो ये ब्लॉक आपको पूरा देखने को मिलेगा, नहीं निकले तो ये ब्लॉक नहीं आएगा आपके पास। चलिए दिखाते हैं आपको, कालू निकल के दिखाएगा पहले। अब रौनक जा रहा है और अरे अब मैं जाऊंगा। देखिए गाइस, यहाँ से नीचे पैर फिसला नीचे गए, अब चल रहे आगे। हमारे दोस्त है लेकिन हम इसको साथ में नहीं ला रहे, तो ये हमसे दुखी होके दूर बैठ गए। देख सकते हो आप कैमरे में कितना चूतिया लग रहा है, लेकिन खैर चूतिया तो चूतिया ही रहते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की चोटी पे।
गाइस हमारे रवाना डूंगर के पास में एक जो कि बांध बोलते इसको यह है। तो हम आप कैमरे में देख सकते हो यह बांध का नज़ारा है। हम यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ ये निकालते हैं लोग, बहुत बड़ा बांध है ये। और हम हैं ऊपर, सबसे ऊपर वाली चोटी पे, पहाड़ की पे। देखिए गाइस कितना नीचे से हम कितने ऊपर आ गए। और यहाँ पे माना जाता है कि ये जो मंदिर है वो तो जब भी हमने आपको दिखाया था वो नीचे रह गया है और हम और भी ऊपर आ गए। तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पे राजा के हाथी बनते थे। तो अब सब वो जो कि मकान वकान थे जहाँ पे हाथी बनते थे वो सब तक आपने मंदिर देख लिया है। मंदिर में बहुत से रौनक वाले हैं जो आप मैंने बताई है। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के, आप देख सकते हो मंदिर का रास्ता वो वाला बता के हम अभी आए। और अब हम जाएंगे इधर, यहाँ पे आगे आपको बताएंगे और बहुत सी बातें। यहाँ पे माना जाता है कि सामने जो अभी दिखाएंगे आपको बहुत दूर है। और इधर ये वो गांव है जहाँ पे पुराना गांव जो कि मैंने बताया था आपको। और हम जा रहे हैं इधर 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 बताया एक बोर आ गए यहाँ पर। ये तो क्या पानी की बोर है और देख सकते हैं गांव। अभी आपको जो घर दिखाएंगे हम, पहले ऐसे घर बनते थे जिनमें लोग रहा करते थे। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये घर, ऐसे घर रहते थे पहले, कच्चे घर जो कोई प्यार आप कैमरे में आ रहे हो ये सब देखेंगे कैसी गलती ना करें। खैर कोई नहीं, ये तो बच्चे मस्ती करते रहते हैं। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं। आपको जो बताया था हमने रास्ते में कि आप आएंगे जहाँ पे वो पहले के राजा महाराजा लोग थे जो कि गटिया चलती थी पहले, क्या चक्कियाँ नहीं थी तो आटा पीसने के लिए यहाँ पे जो आटा पीसा जाता था वो चक्किया राजा महाराजा के टाइम की, वो चक्किया आपको दिखाएंगे अभी हम। चले देखते हैं। हेलो गाइस, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।